हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा एवीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का पहला वीडियो। सेंटर ऑफ मास मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पहला वीडियो आज से चालू हो रहा है। वर्क एनर्जी पावर के 5 वीडियो आए हैं, पूरे आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी प्लेलिस्ट अभी बनाई नहीं है, बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सीधे सेंटर ऑफ मास की। तो अभी सेंटर ऑफ मास चालू करते हैं। चैप्टर का नाम एजुकेशनल आरवीएस, समझ के पढ़ने का। मैं सिस्टम ऑफ पार्टी का, ठीक है, पहला वीडियो है ये, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम, कौन से टॉपिक के बारे में, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद वेरिएबल मास, फिर का तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास को हम COM कहते हैं, ठीक है, COM। अच्छा, अभी ऐसे देखना कि आपके पास एक मास इधर, 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 और बनाओ। चलो देखो, इतने सारे मास हैं। अभी इन मास का कोई सेंटर होगा, इन मास का कोई सेंटर होगा। इसे आप इस तरीके से समझो कि जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं किसी रिजिड बॉडी, कौन सा, सॉलिड, जनरल सॉलिड, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसी भी सॉलिड, यानी कि बॉल है, मान लो स्फेरिकल बॉल, ठीक है, स्फेरिकल बॉल। तो अभी हम बात करें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका मास का सेंटर कहाँ होगा। ये जो मास का सेंटर होता है ना, इधर से सारा मास ओरिजिनेट होता है। एक तरीके से ये समझो कि सेंटर ऑफ मास एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर जितना भी मास होता है सारा एक न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, वैसे ये हमारा एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास रखा हुआ है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक है वो आपके क्लियर हुआ होगा। तो अब सेंटर ऑफ मास में हमें पढ़ना क्या क्या है वो हम बात करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास में हमें पढ़ना पहला पोजीशन, पहला काम पोजीशन करने का है, पोजीशन करने का नहीं, पोजीशन पढ़ने का है। दूसरा काम है हमारा, पहला काम पोजीशन पढ़ने का, दूसरा काम है हमारा मोशन पढ़ने का, ठीक है, मोशन पढ़ने का। शुरुआत करेंगे पोजीशन से, एंड करेंगे मतलब बाद में लेंगे मोशन को। चलो शुरुआत करते हैं पोजीशन से, हेडिंग डालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारे पास दो मास, ज्यादा मास नहीं ले रहा, दो मास ले रहा हूं, कौन कौन से, M1 and M2। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये, हमें सेंटर ऑफ मास पता नहीं, अभी हम कह नहीं सकते कि इसका जो बीच का होगा वही सेंटर ऑफ मास है, ओके। हर बार हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो बीच का है वही सेंटर ऑफ मास है, वी कैन नॉट से दिस। इस केस में हमारे पास क्या है, इससे लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी, R1, और यहां से लेकर के इसकी डिस्टेंस R2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कितना है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लगाएंगे एक फॉर्मूला, 1/r, जो कि हर कोई लगाता है। अब मान लो हमने मान लिया m जो है हमारा m1/m2, और हमारा r r1/r2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m1/m2 should be equal R2/R1, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला हमको किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। कंडीशन को ध्यान देना, हर एक में ये मत लगा देना 3-4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपने लगा दिया दो का, ये लगेगा केवल और केवल दो के लिए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के लिए। तो इतना बेसिक आपका क्लियर होगा, इसे मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो की बात करी, 2 से 3 इस तरीके से इसे नहीं लेंगे, 2 या फिर 2 से अधिक के लिए, यानी कि 2 और 2 से मोर। तो अभी देखो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे
अभी हमारे पास हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, इक्वल और मोर देन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल और मोर देन टू ऑब्जेक्ट, नो रेंज तो ये हमें फाइंड कैसे करना है, इसका जो हम निकालेंगे वो कैसा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आर सी ओ एम शुड बी इज इक्वल टू आर सी ओ एम शुड बी इज इक्वल सिग्मा लिखूं, चलो हटाओ सिग्मा, हटाती है सिग्मा, हटा दिया, क्या लगाना है एम आर मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, एम आर नेट, नीचे लिख रहा हूँ नेट, सिग्मा लगा के लिखते हैं बहुत सारे लोग, और सिग्मा लगा के लिखने में हमारा जो दिक्कत रह जाता है वो ये रह जाता है कि अगर हम सिग्मा को ढंग से नहीं जानते तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बट इधर से हमें कोई गड़बड़ नहीं लगेगा, एम आर नेट डिवाइड बाय एम, ठीक है ना, ठीक, समझो कैसे कई, ठीक है, ये आया फॉर्मूला। अभी एक लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन 1, 2 and 3 जिग-जिग, अच्छा तो अभी इसका मास मान लो, इसका मास है मान लो 2, इसका 3, इसका 4 और इसका आर मान लो 2, इसका आर 2, इसका इस वाले का इनके ऊपर लिखता हूँ, इसका आर 2 इसका आर 5, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, किस पोजीशन पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास आप सभी लगाएंगे mr 10 प्लस 3 to 6 प्लस 4 to 8, ओके, डिवाइडेड बाय m, टोटल m 4 3 7 2 9, ओके, इधर कितना आया 10 4 14 24 24 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल आर सी ओ एम, आर कॉम इतना है, आर कॉम, ठीक है, इसका डेरिवेशन आप अपने से देख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, फिर भी आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है या फिर दूसरी कोई बुक है उससे प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा खासा दिख जाएगा आपको वहां पर, अच्छा खासा डेरिवेशन, अच्छा खासा, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा, तो अभी से रेस करो, एक्सिस पर बात करो, आर डिस्प्लेसमेंट हम कब लेते हैं दोस्तों, आर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, आर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें अलग अलग एक्सिस की तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सिस ऐसे निकालेंगे एक्स सी ओ एम शुड बी इज इक्वल एम एक्स नाइट नाइट डिवाइड बाय एम नाइट, ओके, वाई सी ओ एम शुड बी इज इक्वल एम बाय नाइट डिवाइडेड बाय एम नाइट, ओके, एंड लास्ट फॉर्मूला जेड सी ओ एम इज इक्वल एम जेड नेट 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 एम नेट, तीन फॉर्म लीजिए, चौथा फॉर्मूला हमारा दो के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो यूज होता है वो है आर, ये ज्यादा यूज होता है, आर सी ओ एम शुड बी इज इक्वल एम आर नाइट डिवाइडेड बाय एम नाइट, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, जहां भी लिख रहे हो फॉर्मूले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो फॉर्मूले का, ठीक है, इरेज कर दें, चलो कर दें,
एक बढ़िया सा क्वेश्चन करें, पोजीशन यहीं पर इतना ही रखेंगे। आपने देखा होगा कई सारी पोजीशंस आपको दे देता है रिजिड बॉडी के अंदर, एक स्फीयर का कितना होगा है ना, और एक क्यूब का कितना होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बात करता है वो, ठीक है, और हेमिस्फेरिकल डिस्क वगैरह वगैरह कई सारे मीजरमेंट्स आपको दिए हुए हैं, जो कि कभी कभी वन नंबर में पूछ लिए जाते हैं, वन मार्क्स में, आपके बोर्ड की बात कर रहे हैं, जेई के जेई के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ये समझ लो 0.1% है जेई के लिए बन गए, बहुत ही कम चांस है, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास का, इतना बेसिक हमारा क्लियर हुआ। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे पास मान लीजिए दो है, दो क्या है भैया, दो है हमारे पास, क्वेश्चन लेंगे हम मास वन शुड बी इज इक्वल, मास वन कितना है ध्यान देना 5 किलोग्राम, ठीक है, मास टू सड अभी इज इक्वल 95 किलोग्राम, 95 किलो का भारी भरकम मस्त सा मास है, ठीक है, ये हमारा 5 किलो का मास, ओके, मास वन इज इक्वल 5 kg, मास टू इज इक्वल 95 kg। आपने ध्यान तो दिया होगा ना, हम यहाँ पर किसी भी चीज को चला नहीं रहे, हम यहाँ पर किसी भी चीज को रखे हुए हैं और उसका पोजीशन फाइंड करना है, सीधा सीधा पोजीशन निकालना है, हम इधर कोई भी चला नहीं रहे, ओके। तो इसका आर वन या फिर मैं कह लू आर कितना है, और है इधर मान लो आर लग रहा है हॉरिजॉन्टली, आर लग रहा है 30 degree विद हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, ओके, 30 degree विद हॉरिजॉन्टली, और आर का वैसे वैल्यू कितना है, आर वन कह लेते हैं, कही लेते हैं बाबा, कितना है इसका वैल्यू, वैल्यू इसका वैल्यू लेते हैं चलो 10, ठीक है। इधर देखो आर टू 30 degree विद हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इधर कितना 45 degree विद हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का डिग्री हमने बढ़ा खेला, ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टली का डिग्री हटाते हैं, यहाँ पर वर्टिकली का डिग्री रखेंगे तो भी बात वही रहेगी, वर्टिकली, क्योंकि डिग्री कौन सा है भाई 45 के कंपोनेंट्स इज इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है, और आर टू मान लो है हमारा, आर टू मान लो 20 meter, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और हो सकता है कि मैंने इसे काट दिया हो, इतना सारा मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसका पोर्शन काट दिया हो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो यार, तुम्हारे तो हाथ में है कि बंद कर दिया चला दो, बंद कर दिया चला दो, तो चलो पॉज कर लो, लगाए सवाल, लगाए, लगा लेते हैं, तो आंसर हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, ठीक है, कितना मास वन 5 kg, आर वन 10 meter, तो आर वन का विद का तो इधर निकालना क्या था वो तो हमने बात ही नहीं की, जो हम कहना भूल गए आपसे, इधर निकालना हमें एक्स के साथ है, एक्स सी ओ एम, वाई सी ओ एम, और आर सी ओ एम, ये हमें करना है फाइंड, ओके, सवाल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो, चलो तो करो, एक्स सी ओ एम कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स सी ओ एम मतलब पहले आर सी ओ एम निकालो, आर सी ओ एम, आर सी ओ एम हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से कि एम वन इंटू आर वन प्लस एम वन इंटू आर वन प्लस में हम रखें 95 into 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आया 50, कह रहे थे 20 गलत ले लिया, चलो 2 ले, फिर तुमने पॉज करके जो लिखा उसका आंसर गलत हो जाएगा, हमें
आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी। 20 ही लेते हैं, 95 इंटू 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? जीरो। ठीक है, 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, तो टोटल कितना आ गया? 1950। 1950 में जी रहे हो, 1950 डिवाइड बाय 10, 0, 0। ओके, कितना आया? 19.5 मीटर। मीटर 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 क्या है? डिस्टेंस ऑफ द COM, डिस्टेंस ऑफ द COM। अब इसके बचे हुए जो दो पार्ट्स हैं वो आप कैसे निकालोगे? एक्स COM और वाई COM, उसे देखते हैं। उसका आर कैसे लग रहा था? आर का डिग्री कितना था? R1 का डिग्री ऊपर लिखता हूँ, R1 का थीटा यानी थीटा 1 इज इक्वल 30 डिग्री नॉट 35 डिग्री, और थीटा 2 शुड बी इज इक्वल 45 डिग्री विद वर्टिकली। वर्टिकली लो, हॉरिजॉन्टली लो, बात एक ही है इसमें, 45 डिग्री। ओके, तो दोस्तों ऊपर लगेगा साइन थीटा, नीचे लगेगा कॉस थीटा, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। दो कंपोनेंट जब निकालते हैं तो एक्स के लिए जो हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसमें लगेगा कॉस थीटा, और वाई के लिए जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसमें लगेगा साइन थीटा। तो एक्स के लिए जो हमने कंपोनेंट निकाला, एक्स के लिए कंपोनेंट फॉर एक्स, तो हमारा आ गया एक्स COM शुड बी इज इक्वल M1 X1। X1 कितना है? M1 कितना है हमारे पास? 5। X1 कितना है? 10। 10 into root 3 by 2, यानी कि 5 root 3। देखो इस तरीके से लगा 30 डिग्री, इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? R cos 30। cos 30 कितना है? R कितना है यार? R है हमारे पास 10, तो ये आ गया 10 इंटू कॉस 30 कितना है? कॉस 30 है हमारे पास, हमारे पास कॉस 30 रूट 3 बाई 2, सो ये कितना आ गया? 5 root 3। ठीक है, प्लस में रखेंगे, प्ला 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 प्लस में रखा है, प्लस में क्या रखा है? मोशन ऑफ COM का दूसरा वीडियो बना दो दोस्तों, रहा मोशन ऑफ COM का दूसरा वीडियो ले लूँ, इसे बस इधर ही रखो, इतना ही रखो। ठीक है, इतना ही रखो। 95 into 20 रखा था हमने भाई, 95 into 20 यानी कि 20 1/√2 यही होगा ना? इधर क्या होगा दोस्तों? 2 × 20, हाँ 20 होगा, 10 होगा, 10, तो कितना आ गया? 10√2, 95 × 10√2, अंडर डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं, रूट टू का वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो, रूट थ्री का वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो, फाइनल आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हो या फिर रूट में भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा सीधा। अच्छा निकाल देते, पर ना आप कहोगे कराया नहीं, डर गए सवाल से। 25√3 प्लस में 950√2 अंडर डिवाइडेड बाय 100। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रूट 3/4 प्लस में 9950 यानी कि 9.5√2। ठीक है, आ गया, हो गया, सब कुछ हो गया, क्वेश्चन इरेज कर दें। वाई का ऐसे निकाल लोगे? वाई का ऐसे निकाल लोगे? उधर लगेगा साइन 30। चलो इधर ही इसे इतने में ही सॉल्व करता हूँ मैं, इसे हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ, ठीक है, इसे हटाता, इधर मैंने लिख दिया वाई सी एम, ठीक है, उधर क्या लगेगा? साइन 30, वेरी गुड। साइन 30 में क्या था? साइन 30 में था हमारा 1/√2, सॉरी 1/2, ठीक है, 1/2 10 का 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर कितना आएगा? 1/2 किसका? 1/√2 आएगा इधर, तो इधर तो वही वैल्यू रहेगा, इधर कितना रहेगा भाई? 10√2। ये कितना आया? 25 प्लस में 950 √2 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आया? 1/4 प्लस में 9.5√2। अब आप कहोगे 1/4 को क्या छोड़ दो, चलो 1/4 भी ले लिया, 0.25 प्लस में 9.5√2 आंसर। इरेज कर दिया जाए, इजाजत हो आपकी तो कोई इजाजत नहीं है, चलो इरेज कर दिया हमने, वीडियो बंद कर दी जाए, क्या सोचते हो? मोशन ऑफ COM अगले में देखोगे? चलो अगले में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, उसके बाद लीनियर मोमेंटम ले लेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ओके, सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मोशन ऑफ COM।
यहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ सी ओ एम कर लिया है। वेरी वेरी थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। वेरी वेरी थैंक यू। तो अभी का टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म रॉड का सी ओ एम हमें फाइंड करना है। रॉड क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा ये सी ओ एम आपने पोजीशन वाला सारा कर लिया है। रिजिड बॉडी का आपको एक बीच में दिखा होगा निकला हुआ, रिजिड बॉडी के बारे में देख लिया ना, देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया कैसा होता है रिजिड बॉडी का सी ओ एम वगैरह वगैरह, वो चीज आपको देख लिया। यहाँ पर मेरे पास एक रॉड है, रॉड है, काटी नहीं है अभी, काटी बीटी कुछ नहीं, रॉड है, सीधी सीधी रॉड है। इस सीधी सीधी रॉड के साथ गेम खेला जाए, गेम खेला जाएगा गेम। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काट लिया, डी एक्स हिस्सा काट लिया इसका। इसका मास कितना होगा डीएम, इसका मास कितना है डी एम, सॉरी एम, ओके। और ये एक्स जीरो से लेकर के एक्स एल तक है, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस एल हो गया, ये पूरा एल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और कुछ डिस्क्राइब करूं इसमें, चलो बस इतना ही रखते हैं। एक और चीज आपको गिवेन है, मान लीजिए एम बटा एल, एम बाई एल शुड बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स। तो एक चीज आपको याद रखनी है, डी एम शुड बी इज इक्वल एम बाई एल डी एक्स होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, नोट के रूप में ले लो, फॉर्मूला के रूप में ले लो। अभी मैं क्या रखूंगा इधर, डी एम कितना हो गया एम बाई एल ए एक्स डी एक्स, इतना ही रखना बस इतना ही। अभी आर सी ओ एम कितना होता है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ये जरा मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ही तो लेना भाई, कोई हिलाया डुलाया तो नहीं है हमने, बात क्या करनी है, आर सी ओ एम फाइंड करना है ए के टर्म्स में। तो आर सी ओ एम कितना होता है, इधर ये लगाया क्या होगा, एक्स, एक्स के लिए ले रहे हैं, तो आर सी ओ एम को हमें एक्स सी ओ एम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यार एक बात आप याद रखना कि इसके लिए वाई में तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा एक्स में मोशन है, एक्स इज इक्वल जीरो टू एक्स इज इक्वल एल, है ना, यहाँ पर कोई वाई में तो मोशन है नहीं, जेड में कोई मोशन नहीं, हमें बात करना है एक्स के लिए, बस एक्स के लिए बात। यहाँ पर कितना आएगा, एक्स डी एम, ठीक है, मास इंटू पोजिशन डिवाइड बाय मास डी एम, ओके। सो नाउ फाइंड इट, नाउ सॉल्व करें, अभी सॉल्व करें, एक्स डी एम कितना हो गया, एक्स डी एम देखो ए हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ए तो हम बाहर निकाल लें पहले, बाद में नहीं लेते, पहले ही निकाल के रख लिया साइड में, ठीक है। एक्स डी एम डी एम डी एम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कितना है ए एक्स डी एक्स, तो इधर पॉइंट में लगा के एक्स डी एक्स अंडर डिवाइडेड बाय डी एम, डी एम कितना होगा दोस्तों, ए बाहर निकाल लो, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स। चलो अभी इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, नॉर्मल सी बात है, आप हमेशा कर लोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी तो दिक्कत नहीं है ना इधर, x into x, x square, a x square डिवाइड बाय, यहां पर कितना है, चलो इसे लिमिट के रूप में लेते हैं ना, लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं एल टू जीरो, तो आपको एल के टर्म्स में निकाल के देगा, एल टू जीरो लिमिट, इधर कितना आएगा a एक्स एक्स स्क्वेयर बटा टू, इधर कितना आएगा एक्स एक्स क्यूब बटा थ्री, एक्स क्यूब बटा थ्री, ये भी एल टू जीरो, ये भी एल टू जीरो, ऊपर का इरेज कर दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इधर का इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें फॉर्मूला सॉल्व करना है ना, बस ये सॉल्व करना है। चलो ले लो, आ गया, क्या करना है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री, एक्स की जगह एल रखो, ए एल क्यूब डिवाइड बाय थ्री, इधर ए एल स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ए टू ए गेट कैंसल, क्या आएगा एल क्यूब डिवाइड बाय थ्री इंटू टू बटा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर से यहाँ पर केवल एल बचेगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा टू एल डिवाइड बाय थ्री, आंसर आ गया हमारा, सेंटर ऑफ मास हमें पता चल गया, एक्स सी ओ एम हमें पता चल गया बराबर टू एल बटा थ्री, वाई सी ओ एम बराबर जीरो, आपसे पूछ सकता है तीनों के लिए, जेड सी ओ एम बराबर जीरो। तो एक अलग से टॉपिक था हमारा सी ओ एम किसका निकालना, यूनिफॉर्म रॉड का, हट जाता हूं साइड में, देख लो भैया, ओके। तो चलो अभी इसे रेस करता हूं, और अभी मैं बात करता हूं लमीना के सी ओ एम के बारे में, लमीना
बड़ा ही मस्त टॉपिक है ये भी, लमीना के बारे में बात। लमीना, लमाइना, लमीना यानी कि 2D शेप्स। तो 2D शेप्स के अंदर याद रखना दोस्तों, 2D शेप्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, सेम रहता है सीएम का फॉर्मूला, कुछ भी नहीं होता, बस एक अंदर आता है, एक अंदर आता है, मास की जगह एरिया रख देते, बस सिंपल सा। जैसे हमारे पास RCM का फॉर्मूला था, वो उधर क्या था, नेट ए एक्स, यहां पर ए एक्स रख रहे हैं, याद रखना ए एक्स रख रहे हैं, ए एक्स नेट डिवाइड बाय ए नेट, ठीक है, ऐसे ही ए एक्स नहीं यार, ए आर आएगा, इधर एक्स रख देंगे तो एक्स सी एम, वाई रख देंगे तो वाई सी एम, जेड रख देंगे जेड सी एम। तो ऐसे हमारे लमीना के फॉर्मूलेज निकला, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो एक्स सी एम का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, वरना कह दोगे कि बस इतने में ही खत्म, ए एक्स नेट डिवाइड बाय ए नेट वाई सी ओ एम, ए वाई नेट डिवाइड बाय ए नेट। तो अभी इधर हमारा 3D जेड सी एम नहीं होगा, जेड सी एम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 2D में है, 2D में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, राइट। तो अभी इसे मैं इरेज मार दूं, देख लो ये फॉर्मूले, इरेज मार दूं, चलो मार दूं। अभी देखो रिमेनिंग लमीना, इधर ही मैंने आगे जोड़ दिया रिमेनिंग लमीना प्रॉब्लम। मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल है, इतना पार्ट हमने काट लिया, इसका इतना पार्ट हमने काट लिया, तो ये कितना बचेगा, इतना बचेगा, है ना, इतना पार्ट काट लिया तो ये इतना बचेगा। तो अभी इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए, इस पूरे का एरिया मैं से इतने का एरिया माइनस कर दो, नहीं समझ में आया, मान लो ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर, ठीक है, पूरा चलो सॉल्व ही करवा लोगे तो, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, सेंटर से लगाओ आर बाय टू, डायमीटर है नहीं, ओके, तो इतना हमें पार्ट काटना है। हाँ तो लमीना, रिमेनिंग लमीना का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में मैं बात कर लूं, आर सी ओ एम शुड बी इज इक्वल, दिख रहा है ना फॉर्मूला, ए एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए, यही होगा, बस यही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, चलो समझ गए सभी। एक्स इसका मान लो, इस पूरे का एक्स मान लो आप, एक्स यहां पर जीरो मान लो, यहां पर मान लो टू आर, ठीक है, ठीक है, इसके लिए एक्स यहां पर आर मान लो, वो तो टू आर है ही, ठीक है ना, सीधा सीधा बनना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ ठीक। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर, साथ में टू आर, टू आर मतलब पाई, टू पाई आर क्यूब माइनस ए टू, ए टू ये कितना, पाई बाई फोर, टू का फोर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर बाय फोर, आर स्क्वायर बाय फोर होगा वैसे, ठीक है, और साथ ही साथ आर, तो आर क्यूब अंडर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, ठीक है। अभी इसको आप सॉल्व कर लोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर मिल जाएगा। एक्स के लिए निकाला है भाई मैंने, एक्स के लिए निकाला है, वाई के लिए नहीं निकाला, वाई के लिए भी निकाल सकते हैं, जेड के लिए भी निकाल सकते हैं, और अलग अलग चीजों के लिए निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इसे इरेज कर दूं, वीडियो खत्म कर दूं, पोजीशन वाला वीडियो ही था ये, अभी तो मोशन वाला वीडियो भी आना बचा है, सीएम अभी खत्म नहीं हुआ, सीएम को आप इतना छोटा समझ लेते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहे होंगे, उन सवाल को ट्राई करो, सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सवाल ट्राई कर लिए स्क्रीनशॉट ले लो, चलो सवाल ट्राई करो, मत करो स्क्रीनशॉट ले लो, बंद कर दो वीडियो, बंद कर दो मतलब पॉज कर दो, निकल मत जाओ।
पॉज कर दिया, ट्राई कर लिए। चलो मैं अभी वीडियो हमारा यहीं पर खत्म हुआ। इतनी देर तक हमारा सवाल चले थे, अगर आपने नहीं देखे तो अभी भी थोड़ी देर के लिए चला देता हूँ। तो अभी हमारा वीडियो यहाँ तक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।